कार्ड है उसके अंदर जो मेजर पैसा है वो ऊपर के टॉप के दो लेवल्स पर है, एलईडी लेवल पर और जीडी लेवल पर, और उसका प्रमाण आप इस बात से देख सकते हैं कि सिर्फ रॉयल्टी की अगर मैं बात करता हूं तो एलईडी और जीडी लेवल की जो रॉयल्टी है वो 3 करोड़ रुपए है जो ब्लेज ने डिस्ट्रीब्यूट की है अपने एलईडी और जीडी के बीच में। तो इन सभी एलईडी और जीडी के लिए एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने मेहनत करके इन रॉयल्टी को अचीव किया है, जोरदार तालियां सभी एलईडी और ग्लोबल डायमंड से। नेक्स्ट दोस्तों, हमने एक ट्रैवल कार और हाउस फंड भी अपने प्लान में लॉन्च किया हुआ है जिसके अंदर हमारा इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन रहा है 2,61,33,456 रुपए का। इन सभी अचीवर्स को जिन्होंने ट्रैवल कार और हाउस में उपलब्धि हासिल की है और गाड़ियां ली है और ये इंसेंटिव हाउस फंड का हासिल किया है, उन सबके लिए भी जोरदार तालियां दोस्तों। नेक्स्ट, मात्र ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो इंसेंटिव रहा है दोस्तों हमारा वो रहा है 6,76,62,278 रुपए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ग्लेस के जो ग्लोबल डायमंड्स हैं उनकी इनकम के लेवल्स किस तरह के हैं। तो आप में से कितने यहां पर आज मेरे साथी बैठे हैं जो अपना नाम ग्लोबल डायमंड की लिस्ट में लेकर आना चाहते हैं, एक बार हाथ खड़ा करें कौन कौन ग्लोबल डायमंड बनना चाहता है। वाओ, क्या बात है, बहुत खूब, ग्रेट। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है, ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप अंदाजा लगा लीजिए अगर 6,76,00,000 की इनकम सिर्फ ग्लोबल डायमंड में डिस्ट्रीब्यूट करिए तो इंसेंटिव कितना बड़ा होगा दोस्तों। तो मैं आप सबको बोलूंगा कि इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म करें, लंबी सोच लेकर करें, क्योंकि ग्लोबल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर का रास्ता लंबा है, ये एक दिन या एक महीने या एक साल में तय करने वाला नहीं है। इसके लिए आपको एक लॉन्ग विजन चाहिए और अगर आपके पास लगता है अभी उसकी कमी है तो आपकी जो अप्लाइंस है जो चल रहे हैं उनको फॉलो करें, ग्लेस के ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो करें और लॉन्ग टर्म सोच के साथ काम करें ताकि आपका नाम भी इन लोगों में शामिल हो सके, यही मेरी कामना है।